जी, की हाल चाल? चलो यार, फाइनली अभी हम निकलने वाले हैं मनाली के लिए, और वो फिर आगे आपको दिखाते हैं या देखते हैं। आज निकलना था सुबह में, बट वो कर्फ्यू भारत बंद, किसान भाइयों ने बंद किया हुआ था, तो फिर हम लोग घर पे बैठे थे आराम से, बिकॉज एग्जिट करना मुश्किल था, पूरा एरिया बिजी बिजी है। बाकी यार आजकल समझ सकते हैं आप। चले फिर मिलते हैं, बाकी फ़िलहाल आपको मिलाता हूँ जो जो साथ में चल रहे हैं। खन्ना भाई ये हमारे सुंदरनगर वाले, ये तो इनको जानते हैं, शटरिंग जिन्होंने वो शटरिंग करवाई थी हुई नहीं। और ये हमारा वो झाड़ू चाड़ू है सनी। तीनों भाई साथ में, और अभी नवीन भाई और लाल टोपी की वेट कर रहे हैं, उनका कुछ ऐसे सोच रहे हैं जाएँ कि ना जाए, कुछ ऐसा उसकी वेट कर रहे हैं, तो फिलहाल निकलेंगे। अभी 9:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, रात को ट्रैवल करना अच्छा लगता है। चलो फिर, तारा तुरा रेडी है साड़िया, फोन फान चेंज चार्ज कर, कैमरा चक ही याद ना। चलो फिर मिलते हैं। चलिए जी यार, फिर हम लोग निकले घर से, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं पान की। कहते हैं खाना खाने के बाद पान वगैरह खाना चाहिए, अलग बात है सुबह का खाना खाया अभी तक खाया नहीं है। रास्ते में जब कहीं खाना खा लेंगे उसके ऊपर खाना खाने के बाद वो आई थिंक सो बैलेंस हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करें कभी मीठा पान, दूसरा मत करें, जो भी होता है मुंह कट जाएगा सारा का सारा। क्यों खन्ने भाई, सही बात है ना? सही है, खाना ना पान फिर आज। हाँ। कौन से वाला? पलंग तोड़। पलंग तोड़ पान, पता नहीं इन्होंने स्पेशली अपने लिए मंगवाया, भाई हम तो मीठे पान के शौकीन हैं। ठीक है जी, फिर चलो करते हैं फिर, बाकी बाहर के हाल देखे कुछ। बाहर के हालत कुछ ऐसे ही हमारे एरिया के, कुछ पाइपें वगैरह डल रही है हाइट, ट्रैफिक भी है काफ़ी, नहीं है पर है, बाकी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो जाना ही है हिमाचल। फिर आगे के नज़ारे देखते हैं आगे जाके। यार एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है आप सभी से, जब कभी कोई पान खाओ ना, तो कभी गलती मत करो, जो खाते मीठा पानी खाओ। इस भाई के पीछे लगे साला पलंग तोड़ पान, पता नहीं क्या कलवा दिया यार, एक तो मुंह लाल हो गया, इतना गया राइड में बाहर, क्या था करने भाई वो यार, पलंग तोड़ता जो पलंग तोड़ता मेरा पूरा शरीर तोड़ दिया उसने पकड़ के यार, वो पूरे भैया हाल करके रख दिया। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही खाया मीठा पान, और ऐसा नॉर्मल खाते सभी मीठा पान खाना सही है यार, पहली बार खाते हैं पहली बार, मैं तो सुनू हो गया यार एकदम से, पता ही लगा क्या हो रहा मेरे साथ। अभी साइड पर रुकी कंफर्टेबल होने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो उसमें क्या डाला है ऐसा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। जो लोग खाते हैं ये आई डोंट नो, उसका नाम ही बड़ा अजीब सा है, वट एवर, उसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ हाई लेवल का सिस्टम डाल देते हैं, ठीक है। बट कभी भी खाएं मेक श्योर करें कि क्या खा रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं पता था हम लोगों ने, इसके पीछे लग के मैंने खा लिया, बट नेक्स्ट टाइम से जब भी खाना मीठा पान इज बेस्ट यार आफ्टर फूड। हाँ जी, मतलब मीठा पान इज बेस्ट है यार खाने के लिए, बिकॉज आफ्टर फूड हर कोई खा सकता है, चाहे वो मतलब टीनेजर में भी खा सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होता, जस्ट उसमें गुलगन डाली होती है तो अच्छा होता है। वैसे भी जिनका मुंह पक जाता है वाइट, तो उनके लिए भी वो सही होता है, उसमें वो समथिंग लगा देते हैं, उससे वो काफ़ी रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, तो बेस्ट है। बट कभी गलती ना करें जो हमने दोहराई है किसी के चक्करों में, उसने कहा कि मैंने वो खाना, मुझे लगा पता नहीं वो क्या है भाई, क्योंकि सुबह से ऐसे घर पे बिजी थे, तो काम कम था, कुछ नया काम है हमारा हिमाचल में भी इसको शुरू करने लगे, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान वगैरह था वो जलंधर से ही लाना था, सो दैट्स वाई तो स्पेशल यहाँ पर आए थे ये, जो भी है। देन अभी चले फिर आगे का आपको सफ़र दिखाते, अभी ये पहुँचे रामा मंडी पहुँचे, यहाँ का थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पर शॉप वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी है बर्गर वगैरह के लिए, मतलब नॉन वेज वेज भी है, फिलहाल तो वेज ही, अब वेज ही खाएंगे हम तो। देन फिर क्योंकि सुबह वो भाई जी ने खिचड़ी कहा था बनाने के लिए, हल्का फुल्का खाना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही बाहर से खा रहे हैं राइट, सो स्टमक भी ज़रा अपसेट चल रहा था, कुछ दिन तो पहले बीमार ही रहा, तो अभी वो खिचड़ी बनाई थी, मुझे नहीं पता वो खिचड़ी बोलूँ कि उसको खीर बोलूँ, नमकीन खीर हल्दी वाली वो ही लग रही थी मेरे को, खिचड़ी वाली इसमें बात नहीं थी,
देन फिर वही खाई थी सुबह रहे नियर अबाउट 1 बजे कुछ, उसके बाद सारा दिन ऐसे निकल गया, अभी 10:30 बज गए। तो फिर अभी कुछ खाना तो था, आगे जाके पता नहीं क्या मिलेगा कैसा मिलेगा, तो हल्का फुल्का फिर यही है, थोड़ा सा फास्ट फूड खा लेते हैं, वैसे तो हैवी होता है, चलो क्या कर सकते हैं। बाकी ये कान मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, यहाँ पे भी ये वाली डाल देनी है, इधर वालों का भी चेंज करना है यार, इधर वाले का बड़े बुरे हाल है। जब भी कभी कान बनाओ आप लोग भी यार, कभी ऐसा चाह चढ़े खुदकुशी करने का, मतलब कुछ दर्द लेने के लिए, तो कोशिश करें सर्दियों में ले। मेरे को बड़े जानों ने कहा था, मेरी छोटी प्यारी बहन ने भी कहा था कि सर्दियों में बनाओ और ना भी मत करो चोर्स। कोई और पर्सन भी है कई, उन्होंने भी कहा था कि अभी मत बनाए बाद में बनाए, बिकॉज अभी ये सावन का महीना बारिश वगैरह होती है राइट, तो पक जाते हैं कान राइट। फिर हम तो अपनी मर्जी करने वाले, करके देख ली है मर्जी, इधर का तो बुरा हाल है अभी भी, फिलहाल क्या कर सकते हैं इस ओके। बाकी चले फिर आगे जाके करते हैं बातचीत, रात का है कुछ दिखाने को तो होगा नहीं राइट। रामा मंडी दिखा देता हूँ, कई लोग यहाँ से बिलोंग करते होंगे, यहाँ से होंगे जो फॉरेन में कहीं बाहर बैठे होंगे। देखे फिर लीजिए रामा मंडी, कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है यार, सही है जैसा भी अपना जो यहाँ के होंगे उनको तो प्यार लगाओ जैसे हमें भी है अपनों से। बाकी यार क्या बोलते हैं, कपड़े हटे जो आदमपुर का रोड है ना, वो आदमपुर का कुछ किलोमीटर तक वो नहर आती है राइट, आदमपुर से पहले और पीछे आदमपुर स्टार्ट होने से वहाँ पर सारे रोड पूरा मतलब पहले गियर पे जाने के वाला ही है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है, तो किसी को अर्जेंट है तो ध्यान से जाए, रोड यूज़ मत करें, अगर जाना ही है तो फगवाड़े से भी जा सकते हैं, बट जिनका रोड ही वो है वो क्या कर सकते हैं। बाकी कोई नहीं, दिखाऊंगा उधर की हालत भी, देख लेना लग जाएगा पता। जैसा कि मैंने कहा था आदमपुर एंटर करते ही आदमपुर में तो हालत कुछ ऐसी है, देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये ब्रिज वगैरह बनना है, पता नहीं 4-10-15 साल में बने जाएगा होपफुली, जैसे इनके टारगेट पहले के राइट। तो ये इनका यहाँ का ये मसला, ये तो अभी रोड फिर भी ठीक लग रहा है देखने को, आगे जाकर तो खड्डे ऐसे ऐसे आएंगे कि कुछ करने की लोड़ नहीं पड़ती, लोगों के दांत टूट सकते हैं, तो समझ आए क्यों टूटते हैं दांत, समझ गए होंगे। जब निकले हैं तो फिर प्रॉब्लम भी आती रहती है, तो अभी ये टायर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं तो बेटर है, बट वहाँ पर तो ध्यान नहीं दिया। फिर रास्ते में फिर पता आ गया हिमाचल में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो थैंक गॉड अभी ये खुले हुए थे 11 बजे भी, सही है जी, अच्छी सर्विस दे रहे पंजाब वाले, होपफुली हिमाचल वाले भी दे रहे होंगे। पंप पंप पे तो यार वैसे खुले होते हैं, बट आजकल मतलब जहाँ अगर कुछ चीज़ करवानी है राइट, अगर वो आपको मिलती है वो पहले करवा लो तो बेटर है। अगर हम लोग ये सोच ले आगे जाके करते हैं आगे जाके कुछ ना मिले, फिर ऐसे रिश्ते होते हैं, अगर रिश्तों में कभी दरार आ जाती है कुछ हो जाता है तो ये मत सोचे कि टाइम के रिगार्डिंग वो चीज़ ठीक हो जाएगी या टाइम लगेगा ठीक हो जाएगी, नहीं, अगर बीच बेचारे कभी मौका मिलता है किसी चीज़ को ठीक करने का तो वो कर दो यार, कुछ होता है बातचीत करके कुछ चीज़ सॉर्ट आउट होती है, क्लियर होती है, तो उसको कर लेना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम रिलेशनशिप में स्पेशली। फिलहाल तो हम लोग भी गाड़ी की बात कर रहे थे, बट कुछ पॉइंट होते हैं वो कई दफ़ा कईयों के काम आ जाते हैं, तो जब कुछ मिलता है ठीक करने का या ठीक करवाने का तो कर लेना चाहिए। सो चले करें आप, फिर हम मेरा टायर टोर फिक्स करवाएं, अभी वो भाई जी किसी और की गाड़ी का कुछ हुआ टायर वगैरह आई थिंक तो फ्लैट था वो करने गए हुए हैं, तो हम लोगों ने भी पेड़ पूजा कर ली है, खाकू बैठे हैं, झाड़ू वगैरह भी खा रहा है खन्ना भाई, सेट है, पानी पी रहे हैं कुछ और नहीं पी रहे हैं।
चलो फिर करो मजे यार, वो आ गया भाई जी, फिर करवा के करते हैं फिर। सी अभी चंद्रमा वाइट हो चुका है, पहले रेड था। सो अभी हम लोग यार वो फर्स्ट जो आता है पहाड़ जहाँ से शुरू होते हैं पंजाब की तरफ से, वहाँ पर पहुँचे। और ये जगह बड़ी मशहूर है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। यहाँ पर कोई लेडी खड़ी होती है रात को, हमें तो कोई नहीं मिली, मिले भी ना। सही गल है ना, मिले भी ना, मिले भी ना बड़ा। देन उसके बाद फिर अभी जब चले फिर आगे जाके करते हैं वार्तालाप यार। वैसे भी रात को कुछ खाने के लिए कुछ होता नहीं है यार, यही रास्तों पे तो कई दफ़ा गुजर चुके हैं, बहुत दफ़ा, और बहुत दफ़ा अभी गुजरेंगे भी जब तक है इंडिया में। रात के ड्राइविंग मस्त है यार।